बन टोल प्लाजा, ये बन टोल प्लाजा है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पिछले दिनों बाजाबिता एक नोटिफिकेशन निकाल कर ये कहा था कि जब आप टोल प्लाजा पर पहुंचेंगे 10 सेकंड के अंदर अंदर अगर टोल प्लाजा को आप क्रॉस नहीं करते तो आपका टोल नहीं कटेगा। लेकिन आप ये बन टोल प्लाजा पर ये भीड़ लगभग रोज का मामूल है। पहले बन टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों का, यहाँ पर जिनके पास ठेका है उनकी, उनका ये कहना, उनका गाना, उनका रोना ये था कि जी 4G इंटरनेट ना होने की वजह से दिक्कत लोगों को आ रही है। आज 5G इंटरनेट अवेलेबल है, फाइबर यहाँ पर लगवाया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये लंबी लाइन साफ तौर पर आपको दर्शाती है कि किस हद तक इस बात में सच्चाई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो बात का ही इंतजार करना है, और अगर 10 सेकंड में आपका टोल नहीं कटता तो आप सीधा टोल प्लाजा क्रॉस करेंगे, आपका टोल नहीं कटेगा। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसी भी आम लगवाया है तो फास्टैग लगाने के बाद कैसे संभव है ये कि आप टोल प्लाजा को क्रॉस करें और आप टोल भी ना दें, आपका टोल भी ना कटे। कहा यह गया था कि 10 सेकंड के अंदर अंदर आप टोल प्लाजा क्रॉस करेंगे, लेकिन क्या टोल प्लाजा 10 सेकंड में क्रॉस हो रहा है वो ये तस्वीरें आपको बताएंगी। और ये ऊपर गोली चली थी, ये वही टोल प्लाजा है जिस टोल प्लाजा के ऊपर मारपीट हुई थी, ये वही टोल प्लाजा है जिस टोल प्लाजा के ऊपर ज़बरदस्त हंगामे हुए थे, ये वही टोल प्लाजा है जिस टोल प्लाजा के टोल को लेकर यहाँ के लोकल निवासियों ने ये कहा था कि मेहरबानी करके टोल जो है वो लोकल निवासियों के लिए कम किया जाए। ये वही टोल प्लाजा है जिस टोल प्लाजा को लेकर रियासी के लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम इस रास्ते का इस्तेमाल उधमपुर तक नहीं करते हैं, लेकिन हमको टोल पूरा उधमपुर तक का देना पड़ता है। ये वही टोल प्लाजा है जिस टोल प्लाजा के लिए कटरा जाने वाले लोग ये कहते हैं कि हमें यहाँ पर जो टोल देना पड़ता है वो टोल आधिकारिक तौर पर हमारा बनता ही नहीं है। ये वही टोल प्लाजा है जिस टोल प्लाजा को लेकर नारायणा हॉस्पिटल ककरियाल कटरा में, नारायणा हॉस्पिटल ककरियाल कटरा में जिन लोगों के पेशेंट होते हैं उन्हें अगर यहाँ जम्मू से कटरा जाना पड़ता है, उन लोगों ने ये कहा था कि हमारे लिए कम से कम ये सुविधा होनी चाहिए कि अगर हम ककरियाल हॉस्पिटल में हमारा कोई पेशेंट है तो इस टोल प्लाजा पर हमारे लिए कोई राहत होनी चाहिए। अब आपके सामने तस्वीर है, ये तस्वीर आप देखिए, सरकार जो बातें करती है, सरकार जो नोटिफिकेशन इशू करती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आम लोगों को राहत देने की बात करता है, वो राहत किस हद तक आम लोगों को मिल रही है वो आपको इस टोल प्लाजा से पता चलेगा। जब आप टोल प्लाजा पर जाते हैं और कर्मचारियों से ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि आपको तो 10 सेकंड के अंदर अंदर गाड़ी को छोड़ना है तो आप छोड़ते क्यों नहीं, तो एक बड़ा अजीब सा जवाब मिलता है। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो जब टोल कलेक्शन पॉइंट पर पहुंचते हैं वहां पर आकर कहते हैं कि उनके फास्टैग में पैसे नहीं हैं, वहां पर आकर हमको पता चलता है कि फास्टैग लगा हुआ नहीं है, वहां पर आकर हमको पता चलता है कि फास्टैग जो है वो काम नहीं कर रहा है। और आज भी आपको हैंडहेल्ड मशीन्स यहाँ टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों के हाथों में आज भी आपको हैंडहेल्ड मशीन्स मिलेंगी, जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्लेम है कि हैंडहेल्ड मशीन्स का इस्तेमाल अब नहीं किया जाता। साफ ये है, आम आदमी परेशान है, आम आदमी दुखी हो, आम आदमी को पैसा भी खर्चना पड़े और फिर इस जाम में भी फंसना पड़े, सब कुछ आम आदमी को करना है। अभी अगर किसी VIP को यहाँ से निकलना होगा 5 मिनट के अंदर अंदर ये लेन खाली हो जाएगी, 5 मिनट के अंदर अंदर ये रश खत्म हो जाएगा और यहाँ से वो VIP साफ निकल जाएंगे। लेकिन आम आदमी के लिए ऐसी कोई राहत नहीं है, आम आदमी के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है, आम आदमी के लिए इस तरह का कोई भी फरमान नहीं है। कौन आम आदमी? वही आम आदमी जो आम आदमी टोल पे करता है, वही आम आदमी जो टोल पे करने के सिर्फ टोल ही नहीं पे करता, जिसका टोल कलेक्ट होता है और जिसके टोल से ये रास्ते पक्के होते हैं, जिसके टोल से ये रास्ते इस काबिल रहते हैं कि इन रास्तों के ऊपर फौज की गाड़ी भी चलती है, VVIP बाबुओं की गाड़ी भी चलती है, राष्ट्रपति भी इसी सड़क पर चलते हैं। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भी चलते हैं, प्रधानमंत्री भी चलते हैं, राज्यपाल भी चलते हैं, मुख्य न्याय अधिकारी भी चलते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष भी चलते हैं और संसदीय मंत्रिमंडल के लोग भी चलते हैं। ये वही टोल है जिस टोल पर तमाम VVIP चलते हैं, बिना टोल दिए यहाँ से गुजरते हैं, उसी टोल पर आम आदमी टोल भी पे करता है और इन दिक्कतों को और इन परेशानियों को भी उसे झेलना पड़ता है। वो आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ की सूरत हाल क्या है। अब देखिए ये एम्बुलेंस आ रही है पीछे से,
ये भी आप ध्यान से देखिएगा ये दृश्य, अब इस एम्बुलेंस को यहां से निकलने के लिए रॉन्ग साइड पकड़ना है तब जाकर ये एम्बुलेंस यहां से निकलेगी, राइट साइड से कोई रास्ता नहीं है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारियों से विनम्र विनती और आग्रह, ऐसी नोटिफिकेशन मत निकालिए जिनका मजाक बनता हो, ऐसी बात मत करिए जिससे आम आदमी का दिल जलता हो, ऐसा काम मत करिए जो काम आप ग्राउंड पर एप्लीकेबल न कर सकें। आपकी ड्रामेबाजियां की आज 2G है इसलिए दिक्कत है, आज 1G है इसलिए दिक्कत है, आज 5G पर आपका ये हाल है, ये आप देख सकते हैं कि 10 सेकंड की तो बात ही नहीं, या कम से कम 10 से 15 मिनट आपको ये टोल क्रॉस करने में लगते हैं। और उसके अलावा ये 8 लेन, अब इसको 8 से 16 लेन करने का प्रोग्राम है, ये 8 लेनों का हाल है, जब 16 लेने होंगी तो तब क्या होगा। मामला बस इतना है, आम आदमी को टोल देना है, आम आदमी को टैक्स देना है, आम आदमी को इनकम पर टैक्स, आम आदमी को GST, आम आदमी को सब कुछ करना है, खास आदमी को सिर्फ आम आदमी के दिए हुए टैक्स पर, आम आदमी के दिए हुए टोल पर, आम आदमी की खर्च की हुई धनराशि पर से जो रास्ते बनते हैं, जो सड़कें मजबूत होती हैं, उन सड़कों पर बिना टोल दिए गुजरना है।